गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ड्राइंग में शेप्स बनाए थे, उसका शेडिंग किया था, पर बहुत कम लोगों ने मुझे सेंड किया है और किया है, उसका भी एलिमेंट बराबर नहीं था। मैं उनको पर्सनल मैसेज करके मैंने उसको उसकी गलती समझाई है, फिर भी आप लोगों का ठीक नहीं होगा तो आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम होगा। ओके, तो स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है 5 नंबर, यहाँ पे आज की डेट और गणेश जी, GANESHJI। ओके, तो स्टार्ट करें। इसमें भी हमें शेडिंग करना है, तो हम पहले स्टार्ट करें ड्रॉ करना। टॉपिक नेम इज़ गणेश जी, यहाँ पे आज की डेट। तो सबसे पहले हम गणेश जी के कान ड्रॉ करेंगे, उसमें ऐसे चंदा, आधा चंदा होता है चंद्र, वैसा शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से ऐसे कौ, इसकी ट्रंक बनानी है, फिर यहाँ से ऐसे। ओके, और ऐसे ट्रंक। ओके, अब यहाँ पे पहले हम इसका पेट ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से उसके ऐसे ही कंटिन्यू हम पैर ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ पे ऐसे ही दूसरा पैर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हाथ में हम लड्डू दिखाएंगे। यहाँ से उसका टीथ दिखाएंगे। ओके, इसमें भी आपको कंपलसरी कलर शेडिंग में ही करना है। ओके, यहाँ पे भी हम इसका हाथ दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे शेप में हम ऐसे पैर बनाएंगे। ओके, अब उसकी आईज यहाँ पे, उसका मुकुट ओके, ये हमारे गणेश जी रेडी हैं। आप लोगों को मैं कलर बोल देती हूँ, पर कलर हमेशा आपको शेडिंग में करना है। यहाँ पे उसका तिलक। ओके, अब इसमें भी आपको शेडिंग
कलर में ही करना है, सॉरी कलर शेडिंग में ही करना है। तो पिंक प्लस वाइट का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे रेड ओनली, फिर ऑरेंज और येलो। ये जो है उसका फेस गणेश जी का, उसमें हमें ब्लू, फिर आगे जाते लाइट ग्रीन और येलो का शेडिंग करना है। लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन ही आपको शेडिंग सिखाया, तो समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे शेडिंग करना है। और मैं कलर फिल करने के बाद भी आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। ओके, यहाँ पे वाइट और रेड का शेडिंग करना है, यहाँ पे ओनली वाइट, यहाँ पे ब्लू और वाइट का शेडिंग करना है। उसका जो पेट है वहाँ पे ऑरेंज प्लस येलो का शेडिंग करना है। हाथ में हमें ऑरेंज प्लस येलो का शेडिंग करना है। ओके, यहाँ पे जैसे हमने शेडिंग किया है वैसे भी यहाँ भी ब्लू प्लस वाइट का शेडिंग करना है। और उसके पैर में जैसे हमने येलो, हाथ में येलो प्लस ऑरेंज का शेडिंग किया है, वैसे भी पैर में येलो प्लस ऑरेंज का शेडिंग करना है। ओके, ये जो बिंदी है उसने जो तिलक लगाया है उसमें हमें रेड कलर से सीधा स्केच पेन से आप कर सकते हो। ओके, आइज में हमें ब्लैक कलर करना है और बैकग्राउंड में हमें कोई भी लाइट कलर का बैकग्राउंड कर सकते हो आप। ओके, पर लाइट कलर करना है जिससे गणेश जी आगे दिखे। और ये जो पार्ट रह गया है उसको, वो बॉडी का ही पार्ट है, वहाँ पे हम रेड या ऑरेंज, आपको लास्ट में करना है क्योंकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे कौन सा कलर है, रेड या ऑरेंज कलर, दोनों में से एक कलर करना है। पूरा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कलर करना है। ओके, और बैकग्राउंड में वापस बोल रही हूँ, बैकग्राउंड में आपको मनपसंद का कोई भी कलर कर सकते हो। आपको ऐसे ही गणेश जी बना के मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड करना है।